थोड़ा कैंसर का प्रॉब्लम है, इसलिए हमारा ESI हॉस्पिटल ने उसको KLE हॉस्पिटल बेलगाम एडवांस ट्रीटमेंट के लिए भेजा था। उन्हें ब्रांच ऑफिस फोंडा से 91 डेज सिकनेस बेनिफिट लिया है और 309 ESB यानी एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट लिया है। करीबन 2 लाख रुपया मैडम को मिल चुका है और मैडम ने अभी आगे के लिए यानी 730 डेज तक हम लोग दे सकते हैं उसको, तो 309 और 91 डेज हम लोग दे चुके हैं और उसका प्रोसेस जो लास्ट पेपर्स जो थे मैडम ने 2 दिन पहले ही सबमिट किया है, उसका भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, वो भी मैडम को पैसा मिलेगा। 2017 से मैं काम कर रही हूँ फैक्ट्री में, तो मेरा ESI 2017 से ESI कार्ड बना था और मुझे अभी 2022 में मुझे थोड़ा तकलीफ़ होने लगी, तो मैंने डायग्नोसिस किया, बायोप्सी आई तो 2022 में, तो मैंने ये किया तो मुझे पता चला कि सीए रेक्टम है, तो मैं ESI डिस्पेंसरी में मैंने चेकअप करवाई तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ESI मड़गांव में भेजा। ESI मड़गांव में मैं गई तो उन्होंने मुझे रेफरल लेटर दिया, तो ESI थ्रू मुझे SST फॉर्म बना के दिए, तो मैं उधर चली गई, तो उधर से मुझे कीमो भी मुझे उधर से ही मिला और मेरा जो ये था सर्जरी वगैरह था उन्होंने किया। तो इतनी बड़ी बीमारी में मैं ये नहीं कर सकती थी, तो मुझे ESI नहीं होता तो मुझे ये नहीं होता था। मैं बीमारी की वजह से मैं काम पे नहीं जा रही थी, तो मैं घर पे ही थी, मेरा इलाज चल रहा था, तो इस वजह से मुझे जो ESI से जो मुझे पैसे मिल रहे थे उसी में मेरा घर चल रहा था और मेरा बच्चा भी है वो स्कूल जा रहा है, उसका फ़ीस वगैरह देना रहता था, तो अगर वो जो नहीं आता तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाती। तो मैंने ESB और ESB तो दोनों मैंने ESI से ही लिया है। Joining ESI scheme just got more rewarding.